हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश किस क्लास में। एज यू नो कम्युनिकेशंस के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। 1.2 यूनिट हमारी चल रही है और जिसमें हम मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस को हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि कम्युनिकेशंस के टाइप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशंस एंड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और अभी तक हम वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पाया कि वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, दैट इज द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिहाफ पर अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। यानी कि द लैंग्वेज इज अ मैथड और द मीडियम और द चैनल बाय विच सेंडर एंड रिसीवर आर लिंक्ड। कि जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम भी है, एक मीडियम भी है, कि जिसके बिहाफ पर कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर और एक रिसीवर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत जो है वो करी जाती है। उसके बाद हमने पाया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओरल वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एज यू नो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर स्पोकन फॉर्म के अंदर मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है सेंडर से रिसीवर के पास। और इसके अपोजिट अगर हम रिटन की बात कर रहे हैं, तो रिटन में हमने क्या पाया कि जहाँ जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है या कोई भी कंसेप्ट है, उसे प्रिंटेड मटेरियल के अंदर या राइटिंग फॉर्म के अंदर किसी रिसीवर को सेंड किया जाता है, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो है, दैट इज द फॉर्मल टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी हमने देखा कि इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो रिटन कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा क्या मिलता है हमें, दैट इज द एग्जैक्ट वे टू कम्युनिकेट और गिव द एक्यूरेसी ऑफ द कंसेप्ट रादर देन द ओरल कम्युनिकेशन। कि रिटन कम्युनिकेशन के बिहाफ पर हमें कंटेंट के अंदर एक्यूरेसी मिलती है, एक्यूरेसी के साथ साथ उसमें हम क्या पाते हैं कि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट होती है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बायसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमने पाया कि जो रिटन कम्युनिकेशन है उसकी कुछ यूटिलिटीज थी कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कि जो कोई भी हमारा मैसेज है कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं किसी एजेंडा के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और वहाँ सेंडर के थ्रू कोई कंटेंट जो है वो डायग्राम के थ्रू या मैं कहूँ कि फिगर्स के थ्रू दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस करना है, तो वो चीज़ ओरल के बिहाफ पर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जो हम क्या देखते हैं, रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ हमने ये पाया कि जो डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर हैं, कि लोग जो हैं वो बहुत दूर हैं, उसके अंदर अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अपने मैसेज को दूसरे के पास सेंड करना है, तो जो रिटन कम्युनिकेशन है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट विद द पीपल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं रिटन कम्युनिकेशन की और कुछ लिमिटेशंस क्या उसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन की? तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर मेजर एडवांटेजेस हमारे पास क्या आती है कि रिटन कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू इशू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। कि जहां हमें एक प्रॉपर और स्पेसिफिक जो उसी काम के लिए है वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रिटन कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर इशूइंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। जहां हम स्पेसिफिक विशिष्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको देना चाहते हैं, तो वहां पर रिटन कम्युनिकेशन को मेजरली यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन इज अ चीपर मींस ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ कोई भी जो है किसी प्रकार का ज्यादा खर्चा जो है देखने को नहीं मिलता। तो कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि बहुत से जो कम्युनिकेशन है जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जहाँ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जैसे हम फेसबुक या हम कहें कि गूगल के थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ अप्लायंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा चीपेस्ट हो जाता है।
थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जहाँ लेटर की फॉर्म में दे रहे हैं हम, तो वहाँ हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक पेज की आवश्यकता है तो उसके अंदर वो ज्यादा चीपेस्ट या ज्यादा कॉस्टली हमें नहीं रहता। तो रिटन कम्युनिकेशन इज अ चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसके एडवांटेजेस है। Cheaper means of the communication. Cheaper means है यहाँ ज़्यादा जो है वो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ हम कहें कि written communication is mostly used in the lengthy message, जहाँ हम oral communication के बिहाव पर lengthy message नहीं transfer कर सकते, लेकिन यहाँ आप क्या देखते हैं कि lengthy message को बहुत ही आसानी से आप sender या receiver तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये इसके advantages है कि written communication is useful when the information is lengthy rather than oral communication. Oral communication के अंदर lengthy message को understand करना possible नहीं होता, लेकिन रिटन फॉर्म में एज अ रिकॉर्ड हमारे पास डाटा रहता है, इसलिए हम यहाँ क्या देखते हैं कि लेंथी मैसेज को भी इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेटर के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू, टेलीग्राम्स के थ्रू पर्सन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े अपनी इंफॉर्मेशंस को या अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। तो रिटन कम्युनिकेशन दैट इज मोस्टली यूजफुल व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अ मोर लेंथी, ज़्यादा जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि रिटन कम्युनिकेशन आर मोर केयरफुली फॉर्मुलेटेड देन द ओरल कम्युनिकेशन। Written communication is formulated more accurately rather than oral communication. जहां oral communication को जब किया जा रहा है तो उसके अंदर ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी जो रिलायबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन इसके अपोजिट जब हम रिटन कम्युनिकेशन को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहां पर कंटेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी होती है, एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर डाटा दिया जाता है। तो हम जब एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर और स्पेसिफिक मैनर में जब किसी भी चीज को सेंड कर रहे हैं तो वहां फॉर्मुलेटेड मोर एक्यूरेटली, कि कम्युनिकेशन कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, जो भी उसके प्रोसेस हैं, जो भी उसमें मीडियाज हैं, किसी भी चीज को है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की एक और एडवांटेजेस है रिटन कम्युनिकेशन की, कि जो डाटा होता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर दैट कैन बी रिकॉर्डेड, उसको हम क्या है एज अ रिकॉर्ड या उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इन रिटन कम्युनिकेशन the message or information can be recorded, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा जो लिखा हुआ है उसको संभाल के रखा जा सकता है और वो कहीं दोबारा से किसी भी फॉर्म के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर फिर दोबारा से उसे यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि एक बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां जितनी ज्यादा सेंडर की इन्वॉल्वमेंट है उतनी ही ज्यादा क्या हो रिसीवर की इन्वॉल्वमेंट होती है।
ओरल कम्युनिकेशन में आप क्या देखते हो कि सेंडर जब ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन फॉर्म के बिहाफ पर मैसेज दूसरे तक सेंड कर रहा है तो जो रिसीवर है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने रिस्पॉन्स के ऊपर सोचे और विचारे और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स दे। उसे उसी समय जो है वो हर अपने इमीडिएट डायरेक्शन शो करना पड़ता है, रिस्पॉन्स शो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि रिसीवर जो है वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट टाइम उसके पास नहीं होता कि वो अपने कंटेंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन इसके अपोजिट जब हम रिटन कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या पाते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या देता है, गेट द सफिशिएंट टाइम टू द रिसीवर टू अंडरस्टैंड एंड गिव द रिस्पॉन्स ऑफ द मैसेज। जो मैसेज उसको दिया गया है उसको अंडरस्टैंड करने का उसको प्रॉपर समय मिलता है और उसके साथ साथ वो प्रॉपरली उसको एनालाइज करके आफ्टर दैट वो उसका रिस्पॉन्स देता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके अंदर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस, दैट मींस इन रिटन कम्युनिकेशन रिसीवर हैज सफिशिएंट टाइम understand the message and give the response. वो आसानी से उस चीज का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस था वो हमें क्या कह रहा था कि जो रिटन कम्युनिकेशन है रिटन कम्युनिकेशन के बिहाफ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर किया जा सकता है। ये इसकी एडवांटेजेस है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है, चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं लगता, कॉस्टली इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता। रिटन कम्युनिकेशन की और खास बात हमें क्या देखने को मिली कि दैट इज यूजफुल व्हेन द इंफॉर्मेशन इज लेंथी, कि हमारे पास जो हम मैसेज देना चाहते हैं रिसीवर तक वो इंफॉर्मेशन अगर लेंथी है तो उसके अंदर बेस्ट वे कम्युनिकेशन का क्या है, रिटन वे है। नेक्स्ट वो कहता है कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, वो जो है फॉर्मुलेटेड मोर एक्यूरेटली रादर देन द ओरल कम्युनिकेशन। जहां ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ऑथेंटिसिटी कम पाई जाती है वहीं रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि उसको जब फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको जब बनाया जाता है तो उसको प्रॉपर एक एग्जैक्ट ढंग से बनाया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी रिकॉर्डेड, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को हम रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो रिटन कम्युनिकेशन है दैट इज अ सफिशिएंट टाइम किसको देता है, रिसीवर को देता है, किस चीज के लिए, मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके साथ साथ उसका रिस्पॉन्स फीडबैक जो है वो देने के लिए। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस इसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कमियां क्या मिलती हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज मोर एक्सपेंसिव फॉर ट्रांसमिटिंग अ शॉर्ट मैसेज। अगर हम शॉर्ट मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव फॉर ट्रांसमिटिंग शॉर्ट मैसेज, छोटे मैसेज को ट्रांसफर करने में कम्युनिकेशन के बिहाफ पर जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है दैट कैन बी कॉस्टली। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन हैज बीन डिस्पैच द स्कोप लेफ्ट एमिटेशन, कि किसी भी तरह की एक बार अगर हमने रिटन कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर दिया
उसके बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन होने के चांसेस नहीं रह पाते। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इन रिटन कम्युनिकेशन आफ्टर डिस्पैचिंग द इंफॉर्मेशन मैसेज कैन नॉट बी अमेंडेड। उसके अंदर जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं अमेंडमेंट्स जो है उसके अंदर नहीं हो सकती। कैन नॉट बी अमेंडेड, उसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार हमने दे दिया दैट मीन हो चुका है उसके अंदर। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो है सम टाइम इफ रिटन कम्युनिकेशन इज पुअरली ड्राफ्टेड देन इट कैन बी क्रिएट कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग टू द रिसीवर। इफ रिटन कम्युनिकेशन that is if written communication is poorly drafted it can create misunderstanding and confusion। ड्राफ्ट कर रहे हैं राइट कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज हो रही है, प्रॉपर लैंग्वेज के सिंटेक्स को डाटा को नहीं यूज किया जा रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है किस फॉर्म में हमारा जो रिसीवर है उसके बिहाफ पर। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन इज जनरली फॉर्मल। मोस्टली written communication is formal so that it is not useful to express emotions। sometimes jo emotions hain unko express karne mein written communication kai baar सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि वो फॉर्मल वे होता है। और जब हम इमोशंस या बहुत सारे हमारे फेसेस या हमारी फीलिंग्स को जब हम शेयर कर रहे हैं तो वहां फॉर्मेलिटी का कोई भी काम नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या आई है कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताइए ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। Oral communication and written communication क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इनका फॉर्म ही इसका डिफरेंस है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या देखते हैं दैट कैन बी मैसेज एक्सप्रेस्ड इन द स्पोकन फॉर्म। लेकिन रिटर्न में हम क्या देखते हैं मैसेज इज एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न फॉर्म। ये इसका मेजर एक डिफरेंस है। उसके साथ साथ हमने क्या पाया कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशन को देखते हैं ओरल
कम्युनिकेशन कैन नॉट बी प्रिसाइज. प्रिसाइज मीन्स उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती, हम किसी भी तरह के उसमें चेंजेस या उसकी एग्जैक्टेशन एक्यूरेसी नहीं मिलती हमें. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन कैन बी प्रिसाइज, इसमें इंफॉर्मेशन हमारी एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल सही जो है हमें डाटा मिलता है. नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन. सम सिचुएशंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि इन द ओरल कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन या ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी टेकन एज अ सीरियसली. Sometimes इसे ज़्यादा seriously नहीं लिया जाता. कोई भी directions हैं, कोई भी information हैं, जब verbally दे दी जाती है, तो बहुत बार situations ऐसी आती हैं कि person एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते. लेकिन वही information जब written form में आ जाती है, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को seriously जो है वो लेते हैं. Written communication is generally taken in serious way. Mostly इसे जो है वो serious way के अंदर लिया जाता है. उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जहां oral communication के अंदर हमें क्या मिलता है कि message can be exchanged quickly. मैसेज को बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इट टेक सम टाइम. क्योंकि यहां आपको लिखना होगा, लिखने में आपका टाइम लगेगा, उसके बाद आप जो है वो दूसरे पर्सन को यहां पर मैसेज देंगे. ओरल कम्युनिकेशन इट इज द informal in nature. इसमें formality ज्यादा नहीं होती, limitations नहीं होती. लेकिन और written communication क्या है, is formal in nature. यहां पर कुछ boundaries, कुछ limitations जो है हमें देखने को मिलती हैं. तो ये हमारे पास क्या था, that is the difference between our oral communication and written communication. Oral communication, written communication का difference हमें क्या कहता है, सबसे पहले जो message है वो spoken form में express किया जाता है oral communication में. इसके opposite written में हम क्या देखते हैं, written form के अंदर message express किया जाता है. उसके साथ साथ oral communication precise नहीं किया जा सकता, उसके अंदर accuracy या विश्वास नहीं होता. लेकिन written communication के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इसमें accuracy हमें मिलती है. उसके साथ साथ oral communication कुछ conditions में ज्यादा serious या ज्यादा ध्यान attention नहीं गेन करता, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन मेजरली जो है वो सीरियसनेस गेन करता है, लोग इसे सीरियस होकर जो है वो लेते हैं. ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि मैसेज बहुत ही जल्दी दूसरे तक एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, जस्ट सेंडर और रिसीवर दो पर्सन का होना चाहिए और कम्युनिकेशन हो जाएगा. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जब आप मैसेज को राइट कर रहे हो तो उसमें कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ही वो इंफॉर्मेशन हमारे रिसीवर तक जाती है. और इसके साथ साथ जो ओरल कम्युनिकेशन है वो क्या है, इनफॉर्मल इन नेचर है, और जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है वो नेचर से कैसा है, फॉर्मल है. तो ये हमारा क्या है,
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. हमने आज तक के लेक्चर तक वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके जो दो मेजर टाइप हैं, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं. इसके एडवांटेजेस, इसके यूटिलिटी, इसके फॉर्म, वो सब चीज हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.